हेलो दोस्तों, ओमनीशन चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप देख रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो जो कि भारतीय संविधान से जुड़ा हुआ है। और दोस्तों, ये इस वीडियो में जो बहुत बार बहुत समय पूछा गया है वैसे प्रश्न को शामिल किया गया है। तो दोस्तों, इसे देखना नहीं भूलें। ये सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, अनिवार्य है, क्योंकि इनसे सवाल पूछे जाते हैं और बहुत सामान्य कुछ प्रश्न भी हैं। तो आइए शुरू करते हैं इसे। दोस्तों, इसे शुरू करने पहले आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर करें और डू नॉट फॉरगेट लाइक और नोटिफिकेशन को ऑन करना नहीं भूलें। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये भारत राज्य व्यवस्था है, पॉलिटी से है, जिसमें भारतीय संविधान की बहुत महत्वपूर्ण तिथियों को इसमें लिया गया है। तो पहला प्रश्न है, संविधान सभा का चुनाव कब हुआ था? ये कई बार पूछा गया है, कई परीक्षाओं में पूछा गया है। तो ये 1946 में इसका चुनाव हुआ, भारतीय संविधान सभा का, ठीक है। नेक्स्ट है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुआ था? तो ये 9 दिसंबर 1946 को हुआ था प्रथम बैठक, और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, और 11 जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे। फिर इसका सेकंड बैठक जो 1946 में 11 दिसंबर को स्थायी अध्यक्ष चुना गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। इसके बाद फिर नेक्स्ट है, जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य जो है प्रस्ताव है, तो ये प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? तो 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव को जो है प्रस्तुत किया गया है, ठीक है। इसके बाद चौथा है, संविधान सभा द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? तो 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का जो है ये इसका किया गया है गठन। नेक्स्ट है, संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया है? तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान का जो है संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया है। नेक्स्ट, संविधान पूरे देश में कब लागू किया गया? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया। नेक्स्ट है, भारत का स्वतंत्रता मतलब भारत को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुआ है? तो ये 15 अगस्त 1947 को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट, देश का राष्ट्र ध्वज तिरंगा को कब देश के संविधान सभा द्वारा अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 को तिरंगा को जो है अपनाया गया है। नेक्स्ट है, देश का राष्ट्र चिन्ह को कब अपनाया गया है? तो 26 जनवरी 1950 को राष्ट्र चिन्ह यानी कि जो तीन सिर वाला होता है, ठीक है, वो चिन्ह तो उसको अपनाया गया है 26 जनवरी 1950 को। तो एक्चुअली दोस्तों, जो सिर होता है वो चार सिर होते हैं, ठीक है, और एक सिर पीछे है, लेकिन जो फ्रंट पे दिखते हैं तीन से ही दिखते हैं, तो वो पहचान है। और नेक्स्ट है, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान यानी जन गण मन कब अपनाया गया है? तो 24 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया गया है ये संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान यानी जन गण मन को। नेक्स्ट है, 11 नंबर में संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगीत जिसे जो कि वंदे मातरम है को कब अपनाया गया है? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया गया है। नेक्स्ट है, संविधान लागू होने के बाद देश में प्रथम बार आम चुनाव कब संपन्न कराए गए? तो 1952 ईस्वी में ये संपन्न हुए हैं, कराए गए हैं, जो कि अवधि था 1951 से 1952 के बीच में। तो 1951 से 1952 का बीच का अवधि है। नेक्स्ट है, देश में प्रथम वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा, चूंकि राष्ट्रपति करते हैं, पांच वर्ष के लिए कब किया गया? तो 1951 ईस्वी में किया गया है। नेक्स्ट है, देश में प्रशासनिक सुधार आयोग की स्थापना कब किया गया है? तो 1966 से 1969 के बीच का ये इनका इसका समय है। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के बाद यानी स्वतंत्र आज़ादी के मिलने के बाद प्रथम बार राष्ट्रपति का चुनाव जो है अंतरिम संसद द्वारा कब कराया गया? तो 24 जनवरी 1950 को
करवाया गया है। और राष्ट्रपति बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि 1962 तक बने रहे। और नेक्स्ट है, संविधान लागू होने के बाद पहली बार राष्ट्रपति का विधिवत चुनाव, ठीक है, क्या विधिवत चुनाव, यानी संविधान लागू हुआ, यानी कि कानून लागू हुआ, उसके बाद संविधान के अनुसार पूरा देश आज भी मतलब चलता है और चलता ही रहेगा। तो संविधान के ही अनुसार, यानी जो रीति थी, जो विधियाँ थी, उसके अनुसार जो पहली बार है मई 1952 में ये संपन्न कराए गए, और राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही बने हैं। नेक्स्ट है, भारत में योजना आयोग का गठन जो है कब किया गया, तो 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया है, जो कि अब नीति आयोग के रूप में ये कार्य कर रहा है। नेक्स्ट है, देश के विकास के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम, ठीक है, की शुरुआत कब किया गया, तो 2 अक्टूबर 1952 को किया गया है। नेक्स्ट है, प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है, तो 1951 से लेकर 1956 ईस्वी के बीच का है ये अवधि। नेक्स्ट है, पंचायती राज से संबंधित 73वां संविधान संशोधन, जो कि 1952 रहता है, ठीक है, 73वां संविधान संशोधन 1952 है पूरा नाम, कब लागू किया गया, तो ये 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया, कहीं कहीं 25 भी रहता है, कहीं कहीं 20 अप्रैल भी लिखता है, लेकिन एग्जैक्ट जो 24 अप्रैल है 1993। नेक्स्ट है, नगर निगम से संबंधित 74वां संविधान संशोधन, साल वही था 92 का ही, कब लागू किया गया, तो 1 जून 1993 ईस्वी को ये प्रवृत्ति, यानी कि लागू किया गया है ये। नेक्स्ट है, देश में पहली पंचायती राज का विधिवत प्रारंभ जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कब और कहाँ किया गया, तो 2 अक्टूबर 1959 को किया गया है, और ये राजस्थान के नागौर जिला में जो है वहाँ किया गया है। नेक्स्ट है, तेईसवां है, देश में हिंदू विवाह अधिनियम कब लागू किया गया है, तो 1955 ईस्वी में लागू किया गया है। नेक्स्ट है, देश में बाल विवाह अवरोध अधिनियम, जिसको CMRA भी कहते हैं अंग्रेजी में, शॉर्ट में है, कब लागू किया गया है, तो 1929 ईस्वी में ये लागू हुआ है। इसका बाद में कई बार 78 में भी संशोधन किया गया है इसको, और आगे भी संशोधन हुआ है। अब नेक्स्ट 25वां है, बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा अधिनियम जो है 2008 का है, ये कब लागू हुआ है, तो ये है 1 अप्रैल 2010 को ये लागू है, बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम। दोस्तों, ये थे कुल 25 प्रश्न और इम्पोर्टेंट हैं। अगर आपको ये इम्पोर्टेंट लगता है तो मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, और ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में ही तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगैन इन नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद।